अचानक से दिल की धड़कन का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, इतना ज्यादा बढ़ जाना कि आदमी की हालत इतनी खराब हो जाती है कि पसीने छूट जाते हैं, लोटपोट हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें दोस्तों? ये एक ऐसी समस्या है जो आज के टाइम पे गलत खान पान में पड़ने की वजह से, डिप्रेशन में पड़ने की वजह से, या गलत आदतों में पड़ने की वजह से, सही ढंग से हमारी जो डेली की जो दिनचर्या हमारी होती है उसका पालन, उसका जो नियम है उसको अच्छे से ना फॉलो करना, इस वजह से ये प्रॉब्लम तकरीबन हर एक लड़के लड़कियों में, बुजुर्गों में, जवान में, हर किसी व्यक्ति में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो अब यहां पे हम बात करते हैं कि अगर आपको सडनली अचानक से दिल की धड़कन एकदम बढ़ जाए और ऐसा लगे कि बहुत कुछ होने वाला है, तो ऐसे में क्या करें? इस चीज से निजात पाने का एक रामबाण उपाय यहां पे मैं बता रहा हूं आपको। अगर धड़कन तुरंत बढ़ जाए तो तुरंत ये काम करें और तुरंत ही रिजल्ट आपको मिलेगा, सारी चीजें तुरंत होंगी। इस नुस्खे के इस्तेमाल करने के 5 मिनट के अंदर अंदर आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, यानी कि धड़कन जो है वो बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन में आपकी आ जाएगी। अब आपने करना क्या है दोस्तों? नुस्खा बताने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि जिन व्यक्तियों को ये प्रॉब्लम काफी पुरानी है या काफी लॉन्ग टाइम से है, 1 साल से 2 साल से 5 साल से 10 साल से है, तो ऐसे लोगों के लिए एक रामबाण उपाय यहाँ पे मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा वीडियो का, वो वीडियो देखिए। काफी लाखों लोगों ने उसका लाभ उठाया है, लाखों लोगों ने वो ट्रीटमेंट लिया है और काफी लोगों को उसका लाभ भी मिला है, बहुत लोग ठीक हो गए। तो आप इसका बेनिफिट उठाइए। यहाँ पे आई बटन में मैं वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो का लिंक डाल दूंगा। 2 वीडियो हैं, दोनों वीडियो में से कोई भी नुस्खा आप ट्राई करिए, आपको बिल्कुल बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जो लोग पुराने टाइम से, काफी लॉन्ग टाइम से मानसिक तनाव, डिप्रेशन, घबराहट, बेचैनी, चिंता, बेवजह का जो डर होता है, ऐसी ऐसी सिचुएशन से अगर वो गुजर रहे हैं तो वो लोग इस नुस्खे को जरूर ट्राई करें। बहुत आपको इतना जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इस नुस्खे के बारे में कि तुरंत क्या करना चाहिए अगर धड़कन तुरंत बढ़ जाती है। उसके लिए आपने क्या करना है, बरगद के पेड़ पे जाना है। बरगद का पेड़ कहीं भी मिल जाता है, बहुत एक कॉमन पेड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर ये पेड़ माना जाता है। बरगद के पेड़ के ताजा पत्ते, कोमल कोमल पत्ते तोड़ें, कम से कम 15 पत्ते, अच्छे हरे हरे पत्ते, ताजा ताजा पत्ते, ज्यादा बड़े ना हो, ज्यादा पके हुए पत्ते ना हो, कच्चे कच्चे से पत्ते, हरे हरे 15 पत्ते तोड़ के लाएं। 15 पत्तों को तोड़ के उसको अच्छे से पीस के चटनी के रूप में बना लें, तो करीब करीब यहाँ पे 2 से 2.5 चम्मच उसकी चटनी बनके तैयार होगी। उसके बाद उस चटनी को 150 ml पानी के अंदर डालें, 150 ml पानी के अंदर डाल के अच्छे से फेंट लें। फेंटने के बाद में उसके बाद उसको छान लें। छानने के बाद में 1 चम्मच धागे वाली मिश्री का पाउडर, इस चीज़ का ध्यान रखें, नॉर्मल मिश्री नहीं लेनी है, धागे वाली मिश्री का पाउडर ही लेना है। जिन व्यक्तियों को अक्सर ये समस्या हो जाती है तो वो लोग धागे वाली मिश्री का पाउडर बना के अपने घर में रखें, और बरगद के पेड़ अगर पास में है तो उसके पत्तों का अरेंजमेंट तो हो ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस 2 ही चीज़ें लेनी है, पानी आपके घर में है ही, बस 5 मिनट में नुस्खा तैयार है और 5 मिनट आपको लेने में लगेंगे और 5 मिनट में आपकी ये प्रॉब्लम दूर। दोस्तों धागे वाली मिश्री मिलाएं, अच्छे से मिला के उसके बाद उसका सेवन करें, सेवन करते ही आपको तुरंत आराम मिल जाएगा, इस चीज़ की मैं बिल्कुल यहाँ पे गारंटी दे रहा हूँ। आप इसका इस्तेमाल करिए और अपनी तुरंत बढ़ी हुई दिल की धड़कन को नॉर्मल लाने के लिए इसका इस्तेमाल करके इस प्रॉब्लम से हमेशा के लिए निजात पाइए। तो दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगे तो जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल से जुड़ें ताकि आपको ऐसी जानकारी हमेशा मिलती रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।